आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और सिटी पॉलिटिक्स में मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। हम रोजाना राजस्थान के सातों संभागों की सिटी से प्रदेश के सियासी माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो लीजिए छोटी दीपावली की बधाई और अब हम आपको सिटी पॉलिटिक्स में बताएंगे किस संभाग में कौन किस पर भारी है, लोगों के बीच चर्चा किसकी है, क्या है वहां के मुद्दे और जनता आखिर सोचती क्या है। आपकी सिटी में आज चर्चा में कौन है और सिटी की पॉलिटिक्स से जुड़े हर मुद्दे की बारीकी से पड़ताल करेंगे। सातों संभागों की सिटी से सात रिपोर्टर हमारे साथ होंगे जिनसे होगी सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास की सिटी पॉलिटिक्स की बात। तो सिटी पॉलिटिक्स में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जानते हैं जयपुर की आज की सिटी पॉलिटिक्स क्या है। चुनावी मौसम में हर गतिविधि अपने आप में एक बड़ी खबर है, तो खबरें तो बहुत हैं लेकिन आज की वो बड़ी खबर कौन सी है जो जयपुर सिटी की गलियों में गूंज रही है, लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा हो रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नरेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आज दिल्ली से जयपुर लौटे पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया, राम मंदिर पर भी साफ साफ कह दिया कि हमारी आस्था भगवान में है लेकिन हम न्यायपालिका पर भी भरोसा करते हैं, और क्या कुछ कहा और कार्यकर्ताओं में कितना जोश आज नजर आया है। देखिए आज काफी सरगर्मी रही, राजनीतिक हलचल रही और एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे पहले सचिन पायलट ने आज जो है वो मोर्चा संभाला कांग्रेस की तरफ से और उन्होंने राम मंदिर पे अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कांग्रेस उसका सम्मान करेगी क्योंकि राम के प्रति उनकी भी आस्था है। दूसरा बड़ा मुद्दा था वो था कांग्रेस के जो सचिव जो है जिनको लेके विवाद चल रहा था, उनको लेके भी सचिन पायलट ने कहा कि जो भी ये सारा मामला है वो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत ये फैलाया है जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। जितने भी सह प्रभारी है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और मंथन के बाद दिवाली के बाद कांग्रेस के जो टिकट है उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं, पैसों की राजनीति करने समेत कई गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों पर क्या कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है और आखिर और इसके अलावा क्या कुछ कहा है शेखावत ने? जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमलावर रुख अपनाया बीजेपी पे और देखिए जिस तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो शायराना अंदाज में कांग्रेस पे हमला किया और ये बताया कि मोटी रकम लेके जो टिकट लेने का आरोप है वो भी उन्होंने दोहराया और उनका कहना था कि जो कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो सामने आने लगा है, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उनके बारे में बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बूथ पे जो है वो लोगों से संपर्क में जुटी हुई है। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन चूंकि मौका दिवाली का, ऐसे में मेल मुलाकातों का जो दौर है वो भी नजर आ रहा है, इन मेल मुलाकातों के बहाने टिकट पर क्या चर्चा सुनाई दे रही है? कि अब तक जो है अनूप दिल्ली में सबने डेरा डाल रखा था लेकिन अब जितने भी नेता है वो राजस्थान का रुख कर चुके हैं क्योंकि दिवाली का सबसे बढ़िया मौका होता है कार्यकर्ताओं से मिलने का, अपना जनसंपर्क करने का, और सभी जो नेता है बड़े नेता राजधानी की बात करें वो सभी इसी बहाने से दिवाली की रामा श्यामा के बहाने से अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में लग गए हैं। चलिए शुक्रिया नरेश इस तमाम जानकारी के लिए।